नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने टोहाना के नरवाना रोड इलाके से यूपी निवासी दो हथियारबंद तस्करों को काबू किया। यूपी की शामली इलाके के रहने वाले हैं दोनों हथियारबंद तस्कर। 312 बोर पिस्तौल के साथ थाना में देने के लिए आए थे डिलीवरी। 5000 रुपये में यूपी से पिस्तौल लाकर 10000 रुपये में हरियाणा में करते हैं सप्लाई। टोहाने के किसी व्यक्ति को देनी थी अवैध पिस्तौल, रिमांड पर लेकर की जा रही है पूछताछ। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। दोनों आरोपी टोहाना में 6 अवैध पिस्तौल की डिलीवरी देने के लिए आए थे। यह लोग यूपी से 5000 रुपये में पिस्तौल खरीद कर हरियाणा में 10000 रुपये में सप्लाई करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 315 बोर की 6 पिस्तौल बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों ने टोहाना के किसी व्यक्ति के अवैध पिस्तौल देनी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने स्पेशल टीम ने टोहाना में नरवाना रोड पर इन दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों को लेकर यूपी पुलिस से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस रिमांड के दौरान इन दोनों आरोपियों से टोहाना में किस व्यक्ति को ये सब देना था इसकी पूछताछ कर रही है। उस व्यक्ति की तलाश तेज कर दी है जिसे अवैध हथियारों की डिलीवरी देनी थी। वहीं ये हथियार किस उद्देश्य से यहाँ मंगवाए गए हैं इसकी भी पूरी जानकारी ली जाएगी और साजिशकर्ता को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फतेहाबाद में इसकी जानकारी सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता कर दी। वे फतेहाबाद के DSP हैं। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। फिर अवैध हथियार पकड़े हैं, क्या पूरा मामला है ये? हमारे एंटी नारकोटिक सेल की टीम बीती रात को जो टोहाना के अंदर गश्त पे थी तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि यूपी से दो आदमी नरवाना रोड पर जो है नजायज असलह की, जिनके पास भारी मात्रा में नजायज असलह है और यहाँ किसी को सप्लाई करना है, अगर वहाँ साधन के इंतजार में खड़ी है, अगर वहाँ पर रेड की जाए तो रंगे हाथों काबू आ सके। जिस पर हमारी टीम ने वहाँ पहुँचे तो दो लड़के नजर आए जिनको शक के बिना पर काबू किया। काबू करके नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम नूर मोहम्मद और दूसरे ने आसिफ बतलाया और दोनों ही शामली के रहने वाले। जिनकी तलाशी ली तो एक के पास जो है एक असला और एक के पास बैग से 5-2 कुल जो है ना 6 315 बोर के नजायज असला। तो ये सर कहाँ से लेके आते थे और कहाँ सप्लाई करते हैं? ये यूपी शामली से लेके आए हैं और आगे जो है ना यहीं इनको सप्लाई करना था। बाकी जो हम इनका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान ही उन पूछताछ पे पता चलता है। तो ये क्या रेट में बेचने के लिए ये वहाँ से 5000 रुपये में लेके आते हैं और यहाँ 10000 रुपये में बेचते हैं। तो ये जो पकड़े गए लड़के सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी शामली के रहने वाले। इनका कोई पीछे का रिकॉर्ड है सर? पीछे का रिकॉर्ड हम पता करेंगे, कंसर्न पुलिस स्टेशन से हम पता करेंगे इनका पीछे का क्या अपराधी। प्रथम पूछताछ में सर और कोई जानकारी मिल पाई हो? नहीं, अभी जो है आप इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के दौरान जो है गहन पूछताछ में पता लगेगा। किस प्रकार के हथियार है सर ये? ये 315 बोर के नजायज असले। और भी कोई साथी है सर?